हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। आज दिन की शुरुआत हो रही है, अभी अभी उठे हैं हम लोग, चाय वाय पी लिया है और रियांश को मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर बैठ के खेल रहा है वो, उसका नाश्ता बना रही हूँ। ओट्स रोज़ ओट्स खाता है, कभी टोस्ट खाता है, कभी क्या जैसे उसको मन करता है वैसे ही खाता है। क्या कर रहा है छोटा बच्चा? खा रहे हो? क्या खा रहे हो? सुबह सुबह देखो ये बच्चा क्या खा रहा है। दोस्तों दिखाओ क्या है ये देखो, सुबह सुबह लेके बैठ गया है। और ये रियांश का ओट्स है, इसमें ओट्स के साथ में कुछ ड्राई फ्रूट भी रोस्ट करके पीस लेती हूँ साथ में, ताकि पाउडर रहेगा तो वो खा लेता है। बनाना बहुत इजी है और इसको अच्छा भी लगता है और बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा भी है। ले थोड़ा पानी पिया जा। बब्बू किसको फ़ोन कर रहे हो? हाँ किसको फ़ोन कर रहे हो बेटा? पोलिस अंकल। बब्बू पानी नहीं पी रहे पोलिस अंकल, थोड़ा सा अरे पाउडर क्यों पोंछ रहा है? सब नहीं पोंछ। पोंछ लिए, सब पोंछ लिए बच्चे ने। नहीं पोंछ बेटा पाउडर। मैं एक चाहिए। एक चाहिए। हां वेरी गुड। हां नहीं चाहिए। अभी क्या चाहिए? क्या हो गया है? टंग में क्या हो गया है? चॉकलेट चिपक गया बाबू आपके दांत में। ई करो। ये खाओगे? तो क्या चाहिए आपको? ये क्या है? ये लॉलीपॉप जूस, एप्पल जूस, थम्स अप। और नोजी जो बह रहा है उसका क्या करें? दवाई जो पी रहे हो? नहीं चाहिए। हम सब चाहिए, लेके आओ। ठीक है ये खाओ। मैं लेके आता। आपके साथ नहीं जाएगा। नहीं आप बैठो, मैं लेके आता हूँ। आप बैठो। नहीं आप बड़े हो ना। अरे आपको उठा के लेके जाना भारी है दोस्त। पापा थक गए बेटा काम करके। बैठो मैं लेके आता हूँ, बैठो। आपको नहीं आता है। क्या हो गया अभी? टीचर से नहीं पहुँचो। बाय। रियांश अपने पापा के साथ जा रहा है दुकान पे।
अभी स्कूल से आया है, इसको मैंने कुछ लेके नहीं दिया, इसलिए रो रो के अपने पापा के साथ अभी जा रहा है। रो रो के ब्लैकमेल करता है ये लड़का। तो रियांश को मैं अभी स्कूल से लेकर आई, तो घर पे पहले ही उसका चॉकलेट पड़ा था, तो मैंने सोचा वो पड़ा है तो मैं उसको दे देती हूँ, वो खा लेगा। लेकिन वो लड़का इतना ज़िद्दी हो गया है, इतना रोता है, तो मैं घर से पैसे नहीं लेके गई अपने साथ, तो इस वजह से वो दुकान मतलब वहाँ पे रास्ते पे इतना रोने लगा कि मुझे चाहिए चाहिए। अभी पापा के पास आके रो रो के बताया कि मुझे चाहिए, रोना बंद ही नहीं करा था। इस वजह से उसके पापा भी उसको लेके आ गया। पप्पू क्या ले गया, क्या लेके आया? बाप रे, थम्स अप मेरे को देगा? नो। अंदर ऑन करो, तेरा फोन आ रहा था। मेरे को दोगे बब्बू? क्यों नहीं? चलो पाउंड पे आऊंगा उतारता हूं इसका। क्या नाम समझ में नहीं आ रहा था, लास्ट में शेक लिखा था। नहीं यार, घर पर अभी आया हूँ खाना खाने। चल बेटा ट्यूशन जाने का, चल। ए सोने का नहीं, चल ट्यूशन का टाइम हो गया है, नहीं जाएगा ट्यूशन? चालाक चालाक बच्चे, चल उठ जा, चालाक ब्रो, वेरी चालाक, वेरी चालाक। उठ उठ, चल ट्यूशन चलने का, चल उठ जा बब्बू, उठ जा। क्यों? चलो ट्यूशन चलने का, मम्मी और बब्बू दोनों चले, चलो आ जाओ, उठो चले। चले ठीक है। तो दोस्तों बब्बू अभी ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो गया है। पहले नहीं नहीं बोल रहा था, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ छोड़ के आती हूँ, थोड़ा जाएगा, थोड़ा पढ़ाई करेगा, बच्चों के साथ भी बैठेगा, खेलेगा, माहौल अलग लगेगा। आपका बर्थडे में पहना था। देखो दोस्तों ये बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा है और घर पे बैठ के देखो क्या क्या फैला के रखा है इधर। ट्यूशन जाने बोली थी तो सो रहा था भाई, नींद आ रहा है, और यहाँ पे देखो कैसे कार्टून वाले काम कर रहा है बैठ कर। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ कल।